नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक महीने की इनकम में 3 महीने की सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो है सेविंग्स रेट के बारे में। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेविंग्स रेट क्या है। तो आप जो मंथली इनकम है आपकी, वो आपकी मंथली इनकम होगी। से फॉर एग्जाम्पल आपने मंथ में 10,000 रुपये कमाए, ओके, इसमें से आपने 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी कितनी सेविंग हुई? 10,000 माइनस 6,000, 4,000 रुपये। तो अभी आपका सेविंग्स रेट क्या हुआ? तो आपका जो सेविंग्स रेट है वो टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो आपका जो टोटल सेविंग्स है वो 4,000 रुपीज इन अ मंथ हो गया, और आपका टोटल इनकम है वो हो गया 10,000। तो आपका जो सेविंग्स रेट है वो 40% हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेविंग्स रेट के बारे में सोचना कैसे है। तो अगर आपका सेविंग्स रेट कम रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कम रहेगी, तो आपकी जो नेटवर्थ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट। अगर आपकी सेविंग्स रेट ज्यादा होगी तो आपका जो नेटवर्थ है वो भी फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप कैपिटल पंपिंग करेंगे तो ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बिना कैपिटल के जिंदगी में रिटर्न्स नहीं आता है। मैंने ये जो कैपिटल और रिटर्न्स का जो कॉन्वर्जेशन है इस वीडियो में डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने बताया है कि आप अपने फर्स्ट करोड़ कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, मैं यहाँ पे उसका लिंक छोड़ता हूँ। तो कमिंग बैक टू सेविंग्स रेट, तो ऑब्वियसली आपका सेविंग्स रेट कम रहेगा तो आपकी सेविंग्स कम होगी और आपके इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, और अपने गोल्स के फाइनेंशियल गोल्स पे स्लोली पहुंचेंगे। तो आपको फाइनेंशियल गोल्स पे फास्ट पहुंचना है, राइट। तो आपको सेविंग्स रेट धीरे धीरे बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको अपना इनकम तो बढ़ाना ही है, आपको इनकम पे फोकस करना है और एक्सपेंसेस कम रखने हैं। अभी आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपका सेविंग्स रेट फॉर एग्जांपल 25% है, तो इसका ये मतलब क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आप 7,500 रुपये खर्च कर रहे हैं और 2,500 रुपये बचा रहे हैं। तो ये जो 2,500 रुपये हैं वो आपकी 10 दिन की जो एक्सपेंसेस है उसके बराबर है, राइट। क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में आप 7,500 रुपीज खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप 30 दिन में 7,500 खर्च कर रहे हैं तो आप 10 दिन में कितना कर रहे हैं? ओनली 2,500। तो जो आप सेव कर रहे हैं वो 10 दिन के बराबर का हुआ ना। अब आपका जब सेविंग्स रेट बढ़ता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सेविंग्स रेट 25% से जाकर 50% पे हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीधा 10 दिन की सेविंग से 30 दिन की सेविंग्स पे आ जाते हैं। कैसे? फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 की आपकी इनकम है और आपने 5,000 रुपीज स्पेंड किया, इसका मतलब आपका सेविंग्स रेट 50% हो गया, क्योंकि आपने 5,000 सेव किया। तो आपने अगर 5,000 स्पेंड किया और 5,000 सेव किया, तो इसका यह मतलब है कि आपने 5,000 रुपीज जो 30 डेज का खर्चा है उतना आपने इक्वली सेव किया है। तो इसीलिए आपने 50% सेविंग्स रेट से पूरा एक महीने का जो खर्चा है वो आपने बचाया है, जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ये वाली चीज बेस्ट है, क्योंकि अगर आपकी सेविंग्स रेट 50% से जाकर 75% पे हो जाती है तो क्या होता है, तब आप 3 महीने का जो खर्चा है वो बचाते हैं। कैसे? अगेन कमिंग बैक टू अवर सेम एग्जाम्पल, 10,000 आपकी इनकम है और 2,500 रुपीज ओनली इज योर एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज द सेविंग्स रेट? सेविंग्स रेट इज 75%। सो विद दिस 75% सेविंग्स रेट आप क्या कर रहे हैं, आपने 2,500 रुपये खर्च किए और 7,500 रुपये बचाए। तो 2,500 रुपये जो है आपका एक महीने का खर्चा है, और 7,500 रुपये कितना हुआ? 3 महीने का खर्चा। तो अगर आपकी सेविंग्स रेट 75% है तो आप 3 महीने का खर्चा सेव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कम इनकम में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको अपना घर चलाना है, अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी है, अपनी इंश्योरेंस पेमेंट्स करनी है, अपने पेरेंट्स का देखभाल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने इनकम पे फोकस करना है और अपनी इनकम बढ़ानी है। अगर आप इनकम बढ़ाएंगे तभी आपका सेविंग्स रेट बढ़ेगा। सेविंग्स रेट 10% से जाके 20% पे जाएगा, 20 से 30 पे जाएगा, 30 से 50 पे जाएगा, और 50 से 60-70 पे भी जाएगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये पॉसिबल है। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ वो 90-95% सेव करते हैं एवरी मंथ, उनका सेविंग्स रेट 90-95% है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, सही है ना। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आप ये स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं आप मुझे वो कमेंट करके बताएं, और मुझे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, और आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।